तो इस नए एग्जांपल में हम देखेंगे, हमने ए 51 एग्जांपल बनाया है, ए 51 एचटीएमएल और एक ए 51 जेएस फोल्डर, जेएस फोल्डर में एक ए 51 जेएस फाइल क्रिएट किया है, इनको आपस में लिंक कर दिया है। नाउ देखो, हमारे पास ये बॉडी टैग है, राइट। तो इस बॉडी टैग को हमें गेट करना है, हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, हमने कहा वेर और एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल का नाम जो भी चाहे आप रख सकते हो। मैंने बॉडी रखा, हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। और हमने कहा अलर्ट टैग, और हमने कहा ये जो बॉडी नाम का वेरिएबल है इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको डिस्प्ले करो। और अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, ये हमारा 51 एग्जाम्पल है, 51 HTML। तो आप देख सकते हैं HTML बॉडी एलिमेंट, HTML बॉडी एलिमेंट। ओके, नाउ इसमें कमेंट कर देता हूँ। नाउ हमने कहा यहाँ हम एक बटन क्रिएट करते हैं बॉडी टैग में, मैंने कहा इनपुट टाइप बटन, और इसका लेबल जो है वो वैल्यू एट्रीब्यूट में लिखना पड़ेगा। हमने कहा क्रिएट टेबल नाउ, और अब हम यहाँ पर एक डिव टैग बना देते हैं। डिव एक लॉजिकल टैग है, और इस डिव टैग को हम एक आईडी असाइन कर देते हैं, सपोज ए। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे मैं बटन क्लिक करूँगा तो एक टेबल क्रिएट होना चाहिए। टेबल कहाँ क्रिएट होगा? इस डिव के अंदर। तो एक टेबल क्रिएट करके इसमें अपेंड करना होगा, राइट। तो हमने कहा ये डिव का आईडी ए है, इसको हमें गेट करना होगा, बटन के ऑन क्लिक को भी प्रोग्राम करना होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ, हम हमेशा क्या करते हैं इसे एक आईडी असाइन करते हैं फील्ड को, और उसके इवेंट पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो वहाँ हम एलिमेंट गेट करते हैं कि इसका आईडी मान लो, इसका आईडी मान लो BTN है, तो उसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी BTN, तो ये एलिमेंट हमें मिल जाएगा और इसके ऑन क्लिक पर हम प्रोग्राम करेंगे। मैं ऐसा यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ऑन क्लिक। तो हमारे पास इवेंट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक फंक्शन असाइन करना है, हमने फंक्शन का नाम रखा क्रिएट टेबल, और हमने इसको कॉल कर लिया क्रिएट टेबल। ये फंक्शन हम कहाँ डिफाइन करने वाले? हम जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करेंगे। मैंने कहा फंक्शन और हमने कहा क्रिएट टेबल, ये रहा हमारा क्रिएट टेबल फंक्शन। मैंने कहा अलर्ट, और एक स्ट्रिंग में यहाँ पर अलर्ट करूँगा, और आप इसको टेस्ट कर सकते हो। मैंने पहले पेज को रिफ्रेश किया, जैसे मैं बटन को क्लिक करूँगा आप देखोगे कि वो अलर्ट हमें शो करेगा, क्रिएट टेबल अलर्ट। ओके, फिर से मैं टेबल इस बटन पे क्लिक करने जा रहा हूँ, ये मैंने क्लिक किया, ओके ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इवेंट को हमने इस तरह से प्रोग्राम किया। तो हम हर बार कुछ नया अप्रोच यूज़ करते हैं जिससे कुछ नया सीखने मिलेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा कि जैसे ही बटन क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन क्रिएट टेबल रन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को भी गेट कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें टेबल क्रिएट करना है, डन। तो हमने एक वेरिएबल बनाया वेर वेर, और हमने वेरिएबल का नाम रखा सपोज ए, हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने आईडी स्पेसिफाई किया ए, सॉरी। तो वो जो डिव एलिमेंट है हमें मिल गया। अब हमने यहाँ लिखा वेर TBL, ठीक है, और हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, ठीक है, सॉरी क्रिएट एलिमेंट हमें बोलना पड़ेगा, एलिमेंट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ हमें बताना पड़ेगा टेबल एलिमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर टैग का नाम बताएंगे, वो एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। मैंने कहा अलर्ट, और हमने कहा ये जो TBL है ये हमें शो करो। तो ये कब बनेगा टेबल? जब आप बटन पे क्लिक करोगे तब ये टेबल क्रिएट होगा। मैंने कहा रिफ्रेश, उसके बाद मैंने कहा क्रिएट टेबल, तो HTML टेबल एलिमेंट बना। जब आपने कहा क्रिएट एलिमेंट टेबल, तो एक HTML टेबल एलिमेंट क्रिएट हुआ, ठीक। अब क्या है कि ये जो टेबल है इसको हमने अभी दिखाया, शो किया, तो आप क्या करोगे? हमने कहा ये जो हमारा ए नाम का डिव एलिमेंट है इसमें इसको अपेंड कर दो। हमने कहा ए नाम का हमारा जो डिव है उसमें अपेंड
चाइल्ड, तो ये एज अ चाइल्ड टैग उसमें अपेंड हो जाएगा। तो टिप तो खाली है, तो हमने कहा टीबीएल नाम का एक टेबल टैग है, उसको अपेंड कर दो, उसमें अपेंड कर दो। नाउ अब देखो, टेबल क्रिएट होना इतना सफिशिएंट नहीं है, टेबल में रोज एंड कॉलम्स हमें क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बना सकते हैं। सपोज मैंने कहा फॉर लूप हमने क्रिएट किया, हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। और इमेजिन करो हमारे पास आई नाम का वेरिएबल है, हम उसको जीरो से इनिशियलाइज करते हैं, हमने कहा आई इज लेस देन, हम इसको थ्री टाइम्स रन करना चाहते हैं, आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन थ्री। तो डिफरेंट आई की वैल्यू जीरो वन टू के लिए लूप रन होगा, आई प्लस प्लस किया हम लोगों ने सेमीकोलन। नाउ यहाँ पर हम हमेशा बोलते हैं क्रिएट एलिमेंट, और इस तरह से एलिमेंट क्रिएट करते हैं, पर टेबल जो हमारे पास एलिमेंट है, टेबल एलिमेंट में एक स्पेशल फंक्शन है, टेबल एलिमेंट के साथ ही कॉल कर सकते हैं, वो मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ। हमने कहा टेबल अगर ऑब्जेक्ट आपके पास है तो आप उसके ऊपर इंसर्ट इंसर्ट रो, क्योंकि टेबल में हम लोग रो क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट रो। और इस फंक्शन में इंडेक्स पास करना होता है, क्योंकि टेबल में जो पहला रो है उसका इंडेक्स जीरो होता है, सेकंड रो का इंडेक्स वन होता है, एंड सो ऑन। पर आप इंसर्ट रो फंक्शन का यूज करके कोई इंडेक्स स्पेसिफाई करके एक नया रो उस पर्टिकुलर टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई हमारा टेबल तो खाली है, तो ये लूप जितनी बार चलेगा हम बोलेंगे इंसर्ट रो जीरो, इंसर्ट रो वन, इंसर्ट रो टू। तो आई के डिफरेंट वैल्यू जीरो वन टू के लिए तीन रोज इसके अंदर इंसर्ट होते चले जाएंगे। तो लेकिन ये फंक्शन बोलता है कि स्पेसिफाइड इंडेक्स लोकेशन पे हम रो को तो इंसर्ट कर देंगे उस टेबल में, लेकिन आपको उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कोड भी रिटर्न करेंगे। मैंने एक रो नाम के वेरिएबल में इसको होल्ड कर लिया, तो रो रो हमने बनाया, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक और फॉर लूप लिखा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर रो के अंदर नंबर ऑफ सेल हमको शो करना है। तो मैंने यहाँ j इज इक्वल्स टू जीरो लिखा और j इज लेस देन फाइव लिखा, हम चाहते हैं कि फाइव सेल हमें इंसर्ट करना है। हमने कहा j प्लस प्लस, और हमारे पास जैसे टेबल के लिए एक स्पेशल फंक्शन इंसर्ट रो है, वैसी रो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है इंसर्ट सेल। तो हम यहाँ पर कॉल करेंगे रो डॉट इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल भी बोलता है, रो के अंदर पहला सेल इंडेक्स जीरो पे होता है, दूसरा सेल इंडेक्स वन पे होता है, एंड सो ऑन। तो हमने कहा ये जे पास कर देंगे, जे जीरो वन टू थ्री फोर इस तरह से रन होगा। तो किसी स्पेसिफाइड रो के अंदर इंसर्ट सेल इंसर्ट सेल इंसर्ट सेल, तो हम बोलेंगे इंसर्ट सेल जीरो, इंसर्ट सेल वन, इंसर्ट सेल टू, एंड सो ऑन, और रो के अंदर सेल इंसर्ट होता चला जाएगा। हर बार इंसर्ट सेल बोलने पर केवल सेल क्रिएट होकर उस रो में इंसर्ट बस नहीं होगा, बल्कि उसका एक रेफरेंस कोड भी हमको रिटर्न होगा। मैं सेल नाम की वेरिएबल में उसको होल्ड करूंगा, और हम इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करते जा सकते हैं। हमने कहा वो जो सेल बनेगा उसका जो इनर HTML है, यहाँ पर हम लोग जो है वैल्यू हम कुछ स्टोर करना चाहते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, मैंने कहा स्ट्रिंग ब्रैकेट प्लस, हमने कहा आई का वैल्यू, देन प्लस हमने कहा एक और स्ट्रिंग कॉन्केट करेंगे कॉमा, उसके बाद प्लस इसमें जे वैल्यू कॉन्केट करेंगे, फिर प्लस, फिर सिंगल कोट, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ऐसा एक स्ट्रिंग बनेगा जिसमें ब्रैकेट के अंदर आई और जे का वैल्यू कॉमा सेपरेट होके एक पूरा एक सिंगल स्ट्रिंग बनेगा। आई और जे का वैल्यू ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड, और वो हमारे सेल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो जैसे जैसे सेल क्रिएट होगा उसमें आई जे वैल्यू लिखा होगा, राइट। तो ये होने के बाद अब हम तो सेल क्रिएट करते जा रहे हैं, रो में रखते जा रहे हैं, और रो सीधे टेबल में इंसर्ट हुआ है, इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। तो मैंने अभी रो को या आई मीन से सेल को और टेबल को कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं किया है, जस्ट इसको टेस्ट करने के लिए हम एक बार रन करके देखते हैं। मैंने कहा रिफ्रेश, उसके बाद मैंने कहा क्रिएट टेबल। तो आप देख सकते हो टेबल बन के रेडी हो गया, टेबल में सेल बन गया, सेल के अंदर रिकॉर्ड भी स्टोर हो गया, पर हमने कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं किया, इसलिए यहाँ पर हमें बॉर्डर शो नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ डिसाइड किया कि जो हमारा टेबल है हाँ, उसको हम एक CSS अप्लाई करेंगे। मैंने कहा TBL और डॉट, हम इसको स्टाइल अप्लाई करेंगे, तो हमें एक स्टाइल नाम का प्रॉपर्टी ये यूज़ करना होगा। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, टेबल, रो, सेल, डिव, स्पैन, कोई भी एलिमेंट आपके पास है, उसके ऊपर डॉट लिख के स्टाइल लिखो,
तब आप कोई भी सी एस एस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सपोज मैंने कहा बॉर्डर प्रॉपर्टी है, ये सी एस एस प्रॉपर्टी है, इस नाम का सी एस एस प्रॉपर्टी होना चाहिए, हाँ, और उसको मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके बॉर्डर अप्लाई करना। आपको मालूम है बॉर्डर हम सी एस एस में कैसे अप्लाई करते हैं? हम लोग उसकी थिकनेस 1 पिक्सल, उसका स्टाइल सॉलिड, डैश्ड, डॉटेड, रिज, ग्रूव, ये सारी वैल्यूज़ होती हैं। आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशंस में। यहाँ पर हमने लिखा सॉलिड 1 पिक्सल सॉलिड, और उसके बाद कलर देना पड़ेगा हमें किस कलर का बॉर्डर शो करना। हमने कहा हमें रेड कलर का बॉर्डर शो करना है, डन। हमने कहा सेमी कोलन, ओके। नाउ मैं इस कोड को फिर से रन करूँगा, मैंने कहा रिफ्रेश, मैंने कहा क्रिएट टेबल। अब देख सकते हो उसके चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई हो गया। ये मैंने 2 बार बटन प्रेस कर दिया, जितनी बार मैं बटन प्रेस करता हूँ वही लूप एक नया टेबल क्रिएट कर देता है। मैंने कहा रिफ्रेश, वापस बैक आते हैं, ओके। नाउ हम चाहते हैं कि सेल को भी बॉर्डर अप्लाई होना चाहिए, तो आप सेल कहाँ बना रहे हैं? आप देखो यहाँ सेल क्रिएट कर रहे हो, हम सेल को भी इसी तरह से सी एस एस अप्लाई कर सकते हैं। सेल डॉट, हमने कहा स्टाइल डॉट, हमने कहा बॉर्डर, और सॉरी बॉर्डर इक्वल टू, और हमने यहाँ स्टाइल अप्लाई किया, हमने कहा 1 पिक्सल सॉलिड, और हमने कहा रेड या ग्रीन, कोई भी एक कलर आप अप्लाई कर सकते हो। ये हमने अप्लाई किया, और ऐसा कब होगा? हर बार जब नया सेल बनेगा हम सबको ये सी एस एस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, डन। हमने कहा रिफ्रेश, हमने कहा क्रिएट टेबल। आप देख सकते हो अंदर सेल का कलर ग्रीन कलर का हो गया है, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं। मैंने कहा मैं सेल को हम लोग एक और सी एस एस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर। देखो सी एस एस प्रॉपर्टी जो है उसका नाम क्या है? सी एस एस प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड कलर, तो ये एक्चुअल नेम है बैकग्राउंड कलर, सॉरी। तो हमने जो बैकग्राउंड कलर नाम का सी एस एस प्रॉपर्टी देखा, उसको जावास्क्रिप्ट में कि हम कैसे लिखते हैं, उसका लिखने का तरीका है, पहले ये जो कनेक्टिंग डैश है इसको रिमूव कर दो, और जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर उसको अपर केस कर दो, बैकग्राउंड कलर। और ज़्यादा है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करो, पर जनरली आपको ये बात एक्सपीरियंस होगी। जनरली मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, और हमने इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने का प्लान किया। मैंने कहा एक बहुत ही फेन कलर हम इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं ये एडिट प्लस में जो ऑप्शंस हैं इनका हम ट्राई करते हैं। मैंने कहा एचटीएमएल टूल बार, और एचटीएमएल टूल बार का यूज़ करेंगे हम लोग, और यहाँ से कोई एक बहुत ही डल सा कलर कुछ हम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो, ये मैंने कहा ओके, तो ये जो कलर है मैंने कर्सर जहाँ रखा था वहाँ पर ये पेस्ट हो गया। मैं सेमी कोलन अप्लाई करता हूँ, और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। मैंने कहा क्रिएट टेबल, आप देख सकते हैं इसको एक बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो गया है। हमने कहा हमें जो सेल है उसका विड्थ और हाइट भी इंक्रीज करना है, तो हमने यहाँ लिखा सेल डॉट स्टाइल डॉट, हमने कहा हाइट, तो हर एक सेल का हाइट इंक्रीज हो जाएगा। हमने कहा 50 पिक्सल्स सेमी कोलन। नाउ हमने रिफ्रेश किया, हमने कहा क्रिएट टेबल। आप देख सकते हैं हर सेल का हाइट इंक्रीज हो गया है, क्योंकि हर सेल के ऊपर हम इटरेट करते जा रहे हैं। हमने कहा सेल का विड्थ भी इंक्रीज करना था, वैसे सेल डॉट स्टाइल डॉट, हमने कहा स्टाइल डॉट विड्थ। विथ सी एस एस प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी सी एस एस प्रॉपर्टीज़ उनको हम एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करते हैं, याद रखना जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमने कहा इसका विड्थ भी थोड़ा इंक्रीज करना होगा, हमने कहा 50 पिक्सल्स, ये हमने मान लो असाइन किया। लेट्स सी क्या होता है, देखेंगे। रिफ्रेश करते हैं, हमने कहा क्रिएट टेबल, तो हर एक का हम लोगों ने विड्थ भी इंक्रीज कर दिया है नाउ। तो लेकिन आप देख रहे हो हमने नंबर ऑफ स्टाइल प्रॉपर्टीज़ को सेल के ऊपर अप्लाई किया है, और ये काफ़ी ज़्यादा कोड है, और इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सी एस एस में हम, क्योंकि ये सेम स्टाइल जितनी बार लूप चल रहा है हर सेल को यही सारे प्रॉपर्टीज एक करके अप्लाई करते हैं, फिर से एक लूप आगे बढ़ता है, फिर से इंसर्ट सेल बोलते हैं, फिर से एक नया सेल बनता है, फिर से ये सारी सी एस एस प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। तो इस बात को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने कहा ये एंटायर जो कोड है इसको हम कमेंट कर देते हैं, और ये जो स्टेप्स हैं इनको मैंने कमेंट कर दिया, और मुझे स्टाइल अप्लाई करना है, तो स्टाइल स्पेसिफिक सारे स्टेटमेंट्स को, लाइंस को मैंने कमेंट कर दिया। और अगर अब मैंने इसको रिफ्रेश किया
तो क्योंकि स्टाइल तो हमने रिमूव कर दिया है, बॉर्डर, बैकग्राउंड, विड्थ, हाइट, ये सब चला गया। हम क्या करेंगे, आप एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बना सकते हो, या फिर मैं यहाँ पर स्टाइल नाम का ओपनिंग टैग बनाता हूँ और हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। हमने कहा हमारे पास एक टैग है टीडी, जितने भी टीडीज होंगे सबके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई करो। क्या स्टाइल अप्लाई करना है, हमने कहा पहले बात है बॉर्डर, बॉर्डर को मैंने कहा 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो सेल का बॉर्डर हमने रेड करने के लिए बोला, या हम बोलते हैं ब्लू कर दो, ऐसा हम कर देते हैं। नाउ हमने कहा बैकग्राउंड कलर में हमने क्या बोला कि कोई कलर हमें अप्लाई करना है, डल, लाइट, व्हाटएवर, ये स्काई ब्लू, और ये मैंने अप्लाई कर दिया। और ये CSS है, इसमें हम इस तरह से अप्लाई करते हैं। जावास्क्रिप्ट में देखा था आपने डिफरेंस क्या था, स्ट्रिंग में रैप करके मैं वैल्यूज पास करनी थी, पर अब हम लोग प्योर CSS लिख रहे हैं। हमने कहा विड्थ और हाइट हम उतना ही रखना चाहते हैं जितना हमने प्लान किया था, 50 पिक्सल, और हाइट 50 पिक्सल्स। तो इस तरह से मैंने हर सेल के लिए CSS लिख दिया है, और आप देख सकते हो कि अब मुझे एक एक इंडिविजुअल सेल को ये CSS अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है। रिफ्रेश, क्रिएट टेबल, और बराबर जैसा हमने सोचा था वैसे ही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, डन। और आप इसी बात को दूसरे तरह से भी कर सकते हो। मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ, CSS में मल्टी लाइन कमेंट अलाउड है, तो मैंने इसको लिटरली यहाँ से कमेंट कर दिया। और अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि मैंने CSS बंद कर दिया है। ठीक है, नाउ अगर मान लो मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ डॉट, हमने कहा AA, और इस क्लास के लिए CSS रूल हमें लिखना है, और मैंने कहा मुझे ये बॉर्डर, हाइट, विड्थ, यही सेम CSS अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने कहा सॉलिड की जगह मैं बोलता हूँ डैश्ड, और ब्लू की जगह हम बोल देते हैं येलो, और देन उसके बाद येलो की जगह कुछ डार्क कलर यूज़ करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। तो ये मैंने मरून कलर ले लिया, डन। इसके बाद बैकग्राउंड कलर हम चूज़ कर सकते हैं, कोई भी रैंडम बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं यहाँ पर हूँ, अभी पिंक, लाइट पिंक कलर हमने अप्लाई किया सपोज नाउ, पर ये क्लास को हमें हर सेल पे अप्लाई करना पड़ेगा। हमने कहा जो भी सेल क्रिएट हुआ है डॉट स्टाइल बोलने की जगह पर हमने कहा क्लास नेम, और हमने इसको क्लास नेम असाइन कर दिया, और क्लास नेम क्या रखा था ए, ये हमने असाइन कर दिया। ऐसा हम हर एक सेल के ऊपर करने वाले हैं। रिफ्रेश, हमने कहा क्रिएट टेबल, आप देख सकते हो डैश्ड बॉर्डर है, और पिंक कलर हमने बैकग्राउंड में लगाया था, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके टेबल, उसके अंदर सेल और रोज एंड उनका स्टाइल कैसे मैनेज करते हैं, ये हमने ट्राई किया। नाउ इस वीडियो में इतना ही, और आगे वीडियो में और दूसरे प्रॉपर्टीज और ट्रिक्स के बारे में देखेंगे हम लोग।